शकीरा फिल्म प्रेजेंट करती है एक ऐसी कहानी जिसमें दिखाया जाता है कि हम अपने ब्रेन का कितने परसेंटेज यूज करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं, जिसका नाम है लूसी। मतलब ये पूरी कहानी ब्रेन के ऊपर डिपेंड है। यदि हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी ये कहानी के मेन कैरेक्टर को यानी कि लूसी को दिखाया जाता है। उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जो सारी करप्ट चीजें करता है, जैसे कि ड्रग्स बेचने के काम करता है। अब वो एक बैग लेकर आता है और लूसी के पास देता है और उसे कहता है, ये बैग आप अंदर लेके जाओ और किसी को भी दे दो, ये करने से हमें कई डॉलर्स मिलेंगे। वो शॉक हो जाती है, इतनी सी बात के लिए हमें डॉलर्स मिलेंगे? वो एक काम करने के लिए साफ मना कर देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में हथकड़ी डाल देता है जो बैग से बंधी होती है और कहता है, अब तो तुम्हें अंदर जाना ही पड़ेगा। इस तरह से वो अंदर रिसेप्शन की तरफ जाती है। वो किसी को मिलने के लिए बुलाती है और वो लोग बाहर आते हैं। तभी सामने लूसी का बॉयफ्रेंड देख रहा होता है। तभी वो लोग उसे गोली मार देते हैं और वो वही मर जाता है। अब वो लोग लूसी को पकड़ कर अंदर लेके जाते हैं और वो बैग खोलने के लिए कहते हैं और सभी लोग छुप जाते हैं। वो कहती है, आप सब छुप क्यों गए? ये कुछ खतरनाक चीज है क्या? वो लोग कहते हैं कि जिस आदमी ने ये आपको बैग दी है, हमें उस पर भरोसा नहीं है। अभी वो लोग जूसी को उस बैग का कोड बताते हैं और जैसे ही वो कोड से बैग खोलती है, तभी उसमें 4 पैकेट्स होते हैं। अब वो उन सबको बताती है कि इसके अंदर 4 ब्लू कलर के पैकेट्स हैं। इसमें कुछ पाउडर जैसा भरा हुआ है। अब सब बाहर आते हैं। तब लूसी को हमारे टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देती है। और तभी एक आदमी उसके मुंह पर पंच मार देता है और वो वही बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आता है, तब वो देखती है उसके पेट पर पट्टियां लगी होती है, जैसे कि किसी ने इसका ऑपरेशन किया हो। उसे लगता है कि किसी ने उसके अंदर के कुछ पार्ट्स को निकाला होता है। फिर उसे बताया जाता है कि तुम ऐसा सोच रही हो, वैसा कुछ नहीं हुआ है। वो जो 4 ड्रग्स के पैकेट्स थे, उनमें से एक को तुम्हारे पेट में डाला गया है और अब हम जहाँ बोलेंगे वहाँ तुझे जाना पड़ेगा। वो वहाँ तुम्हारे पेट से वो एक ड्रग्स का पैकेट निकाल देंगे, उसके बाद तुम आजाद। लूसी ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहती, वो बहुत उदास हो जाती है। लेकिन ये सब ड्रग मास्टर होते हैं और यहाँ पर और 3 आदमियों को लेकर आते हैं और उनके भी पेट में 3 अलग अलग ड्रग्स पैकेट डाले जाते हैं। उन्हें भी कहा जाता है कि तुम्हें जहाँ भेजेंगे वहाँ तुम्हें जाना होगा, वहाँ तुम्हारे पेट से ड्रग्स के पैकेट निकाले जाएंगे और उसके बाद तुम आजाद। और तुम में से किसी ने भी भागने की कोशिश या चीटिंग की तो तुम सबके फैमिलीज को मार डालेंगे। और अब इन 4 के मुँह को कपड़ा डाल के उन्हें अलग अलग जगह भेजा जाता है। और जब लूसी के मुँह से कपड़ा हटाते हैं तो उसके सामने 2 आदमी होते हैं। उसका वो पूरा मुँह बांध देते हैं और लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। लूसी चिल्लाती है, मना करती है। इस बात से वो चिढ़ जाते हैं और मारने लगते हैं और उसके पेट भर भी लात मारते हैं, जिसके कारण उसके पेट में जो ड्रग्स पैकेट होता है वो पूरा फट जाता है। और ये ड्रग्स दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग्स होता है। वही एक साइंटिस्ट होता है और वो ब्रेन के ऊपर रिसर्च करता है। वो कहता है कि दुनिया में सिर्फ 10% ही अपने दिमाग को यूज किया है और 10% यूज करके वो चांद पे चला गया है। उसने मोबाइल बनाए हैं, हवाई जहाज बनाए हैं, क्या क्या नहीं बनाया है उसने। उसके बाद वो बताते हैं कि एक ही आदमी है जो 20% ब्रेन यूज करता है और वो है डॉल्फिन। वो बहुत इंटेलिजेंट होता है और वो टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बात भी करते हैं। वो बताते हैं कि इंसान जब 20% ब्रेन यूज करेगा, तब उसे उसके बॉडी के बारे में सब पता चलेगा। उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में आ जाएगी, जिससे वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। और लूसी के पेट में जो पैकेट होता है वो फूटने के कारण उसका ब्रेन अब 20% काम करना शुरू कर देता है। अब वो जब चेयर पर बैठी होती है, तभी उसके सामने जिसने उसे मारा होता है, बदतमीजी करने की कोशिश की होती है, वो दोबारा से वैसे करना चाहता है। वो कुछ नहीं कहती, जिससे उसे और कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि उसका ब्रेन अब ज्यादा एक्टिव हो चुका है। वो आदमी उसके पास आता है, तभी वो उसे जोर से मारती है, यहाँ तक कि उसका बेल्ट निकाल देती है। और सामने टेबल पर उसी आदमी की चाबी और बंदूक होती है। उसे बेल्ट से खींच लेती है और बंदूक लेकर उस आदमी को गोली मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। और वहाँ से निकलते ही वो हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि उसके पेट में जो ड्रग्स का पैकेट है वो ज्यादा फैला हुआ नहीं है। उसे ऐसा एहसास होता है क्योंकि उसका ब्रेन अब ज्यादा एक्टिव हो गया है, उसने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया है। उसे कैसे भी करके वो पैकेट्स को बाहर निकालना होता है। और वहाँ हॉस्पिटल जाके डॉक्टर किसी को ऑपरेशन करते होते हैं। ऑपरेशन करते समय स्क्रीन पर सब लाइव चालू होता है। वो देखते ही अपनी बंदूक निकाल कर उसे गोली मार देती है।
वहाँ के सभी शॉक हो जाते हैं। कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। तब लूसी कहती है कि वैसे ही तुम इस आदमी को बचा नहीं पाते क्योंकि इसका ट्यूमर अंदर से फेल हो चुका है। उसके बाद बेड पर जो आदमी होता है उसे नीचे गिराकर वो खुद लेट जाती है और डॉक्टर को बोलती है मेरे पेट में वो एक ड्रग्स पैकेट है और वो बाहर निकाल कर फैला जा रहा है, तुम उसे बाहर निकाल दो। डॉक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें एनेस्थीसी देता हूँ जिससे तुम्हें दर्द ना हो। एनेस्थीसी देने से इंसान बेहोश हो जाते हैं। वो उसे मना कर देती है, वो ऑपरेशन करने के लिए कहती है और बंदूक उसकी तरफ कर देती है। वो गन के सहारे सब करती है। डॉक्टर उसे शांत होने के लिए कहते हैं और ऑपरेशन के टाइम वो अपने माँ को कॉल करके बहुत सारी बातें करती है। तब उसकी माँ शॉक हो जाती है। वो उस टाइम की बातें करती होती है जिस टाइम लूसी 1 साल की होती है। उसे सब कुछ याद आ जाता है क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव होता जाता है। तब तक डॉक्टर उसके पेट से वो पैकेट निकाल चुके होते हैं। वो उसे कहते हैं कि इस पॉकेट में 1/2 किलो पाउडर बच गया है। वो पूछती है मेरे पेट में जो फैला हुआ था उसे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। अब डॉक्टर कहते हैं उसके लिए मुझे पता तो लगाना पड़ेगा ये क्या है। वो कहती है CPHO को। ये सुनते ही डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। CPHO क्या है, वो डॉक्टर से पूछती है। डॉक्टर कहते हैं कि प्रेग्नेंट लड़की जो होती है वो अपने 6 हफ्तों में CPHO वो अपने पेट में प्रोड्यूस कर लेती है और ये बच्चे के लिए एक प्रोटेक्शन बॉम्ब रहता है। डॉक्टर कहता है कि इसका न्यू वर्जन आने वाला था, अभी वो लॉन्च भी हो चुका है, ये मुझे पता नहीं था। अगर ये CPHO है और तुम्हारे पेट से निकला गया है अब मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जिंदा हो। लूसी हॉस्पिटल से निकलती है। उसे एहसास होता है कि वो आजू बाजू के सभी चीजों को फील कर सकती है, यहाँ तक कि उसे पेड़ों के अंदर क्या चल रहा है वो भी पता चलता है। और अभी लूसी उस इंसान के पास जाती है जिसने उसके पेट पे मारा होता है और उसे कहती है कि बाकी के 3 पॉकेट कहाँ भेजे है वो मुझे बताओ। वो कुछ भी नहीं बताता। वो उसके दिमाग पर हाथ रखकर खुद को कनेक्ट कर लेती और पता लगाती है कि वो 3 पैकेट्स उसने कहाँ भेजे थे। 1 पैकेट जाता है रशिया, 1 पैकेट होता है बर्लिन और 1 पैकेट भेजा जाता है पेरिस। वो अपने घर आती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है। वो उसका लैपटॉप यूज करती है और उस पर उस आदमी को रिसर्च करती है जो कि ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। उसी प्रोफेसर से वो बात करना चाहती है, कहती है मैंने तुम्हारी सारी रिसर्च पढ़ ली है। वो हंसते हुए कहते हैं तुमने मेरे सारे रिसर्च पढ़ ले हैं, बताओ मैंने कितने पन्ने लिखे हैं। वो कहती है 6735 पन्ने। वो शॉक हो जाते हैं। वो कहती है कि मैंने बहुत सारे ड्रग्स ऑब्जर्व करने के बाद मेरा ब्रेन 28% काम करना शुरू हो गया है और मैं जल्द ही जल्द मर भी जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा 1 और दिन, पर मैं अपने माइंड को 100% यूज कर सकती हूँ। कहती है मैं मोबाइल, टीवी और दूसरों की बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ। लूसी को अब दर्द महसूस नहीं होता, किसी से वो डरती नहीं है। वो अब कहती है कि इंसान को इंसान बनाने वाली कौन सी भी पावर मेरे पास नहीं है, मेरे अंदर फिजिक्स, मैथमेटिक, केमिस्ट्री इन सब का इतना ज्ञान है कि उसका मैं क्या करूं। वो कहते हैं कि जो भी नॉलेज तुम्हारे पास है वो आने वाले जनरेशन को पास आउट कर दो। एक सेल का यही काम होता है, उसके पास जो नॉलेज होता है वो आगे वाले सेल्स को भेज देता है। इसी तरह से दुनिया काम करती है। वो अब प्रोफेसर से कहती है कि आने वाले 24 घंटों में मैं आपके घर के बाहर पहुंच जाऊंगी और अभी बाकी 3 पैकेट्स होते हैं। लूसी उन्हें लेने के लिए जाती है। उसी दौरान उसके माइंड के और पावर को देखने मिलता है, कैसे वो लोगों को हवा में उड़ाती है, कैसे वो लोगों को अपने कंट्रोल में करती है। और एक पुलिस वाला लूसी को मदद करता है और वो उससे ड्रग्स के पैकेट्स हासिल कर लेता। वो फिर प्रोफेसर के पास लेकर आती है जहाँ पर प्रोफेसर और उनकी टीम लूसी का इंतजार करते रहती है। वो उन सबको मैथमेटिक, केमिस्ट्री की सभी चीजें बताती है जिससे वो शॉक हो जाती है क्योंकि उन्होंने ये सब के बारे में कभी सुना भी नहीं था। उतने में ही वो लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं जिनके ये ड्रग्स पैकेट्स होते हैं। पुलिस कहते हैं मैं उन्हें नहीं रुका पाया, उनके पास बहुत सारे हथियार थे। अब लूसी कहती है मेरा जाने का वक्त आ गया है, बाकी 3 पैकेट्स भी पेट के अंदर डालने होंगे। प्रोफेसर कहते हैं क्या ये सही होगा। वो कहती है ये करने से ही मैं अपने दिमाग का 100% यूज कर सकती हूँ, उसके बाद मेरे पास जितना भी नॉलेज है उसको मैं स्टोर करके तुम्हें मैं सौंप दूंगी, अगले आने वाले सभी मानवता के लिए वो काम आएगा। अब वो 3 पैकेट्स को बॉडी में ऑब्जर्व कर लेती है। इसके बाद लूसी का माइंड और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वहाँ जितने भी मशीन्स होते हैं इन सबको एक करके बहुत बड़ी मशीन बनाती है। अब लूसी का माइंड 99% पर पहुंच जाता है। उसके बाद वो टाइम ट्रेवल करती है, वो टाइम को भी कंट्रोल कर सकती है। वो पास्ट में जाती है, वो अब आदिवासियों के युग में, उसके बाद डायनासोर के युग में और उसके बाद दुनिया के सबसे पहले इंसान से मिलती है और अब अंत में पूरे ब्रह्मांडों को देखती है कि वो कैसे बने थे। वो अब वापस आ जाती है, तभी वो आदमी जिसने उसके पेट में ड्रग्स डाले थे वो उसे पीछे से शूट करने के लिए आता है
और जैसे ही गोली चलाता है वो वहाँ से गायब हो जाती है। उतने में ही पुलिस वाला आता है, वो उसी गुंडों को गोली मार देते हैं। उसने कंप्यूटर को पेन ड्राइव लगाकर अपने पास की सभी नॉलेज उसमें सेव कर दी होती है। तभी पुलिस कहते हैं कि वो पेन ड्राइव कहाँ है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर, मतलब मैं हर जगह हूँ। हमारी ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। यदि हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।